हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल अंजलि डेली ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, एक नया ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और सुबह की वक्त है और थोड़ा आज जल्दी उठ गए थे, तो बस सुबह की जैसे कि टिफ़िन और नाश्ता बनाना था। तो टिफ़िन बनाने के लिए आज मैं मटर और टूअर आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए क्या करती हूँ कि थोड़ा सा ये इसे प्रेशर में 2 सीटी लगा दूँगी ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए, और उसी बीच में थोड़ा अलग, तो बस उसी वक्त मुझे दूसरा कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे कि झाड़ू पोछा जो है ना, मैं इसे प्रेशर में डाल देती हूँ और उसी के बाद मैं जाके एक काम तुरंत कर लेती हूँ, क्योंकि कृष्णा स्कूल जाने से पहले पूजा करके घर में दियाबत्ती करके जाएगी। तो बस इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी ही काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मैं तो नहीं कर पाऊँगी, तो बस उसे करना है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसे खाना बनाते बनाते दूसरा भी काम ख़त्म कर लूँ, और इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी और मेरे साथ कृष्णा भी उठ गई थी, क्योंकि बोल रही थी कि वैसे भी वो सुबह उठ के, उसका एग्जाम चल रहा है तो वो सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ाई करती है और उसके बाद नहा धो के मतलब स्कूल जाती है। तो जितना टाइम उठती थी, जिस टाइम पे उठती थी और उससे पहले अभी उठ रही है, तो बस इसीलिए। और आटा भी गूंथ ली हूँ और इसे थोड़ा सा प्लेट डाल के रख दूँगी। और कृष्णा चूल्हा लगा दिया था और चूल्हा पानी गर्म हो रहा है, तो बस मैं भी जाके इसे झाड़ू लगा देती हूँ। पहले ये झाड़ू लगा देती हूँ। क्या होता है कि यहाँ से बार बार हम घर बाहर ऐसे होते हैं ना, तो यहाँ से धूल मिट्टी बार बार घर आना जाना हो जाता है, तो बस इसे झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर जो घर है ना, बेडरूम है, उससे कृष्णा झाड़ू लगा रही है, क्योंकि उससे थोड़ा सा लाइट का थोड़ा सा ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, गेलूस हो रहा है। और कृष्णा के पापा भी उठ गए थे उस टाइम, और बस झाड़ू लगा दिया। मैं बाहर जाके झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह तो हुआ नहीं और वक्त भी बाकी है, जैसे कि मैं थोड़ा सा उसी वक्त जो टाइम के हिसाब से मैं थोड़ा जल्दी काम ख़त्म कर देती हूँ आज, और बहुत ही कम टाइम में आज काम ख़त्म हुआ है, क्योंकि मेरी हेल्प कृष्णा कर रही थी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी हो गया सब काम। तो बस इसे झाड़ू लगा देती हूँ। और पहला घर है उसे बेडरूम जो है उसे भी पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगाने के बाद जो मेरा काम है टिफ़िन बनाऊँगी बाद में, पहले ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो गेलूस हो रहा है, कृष्णा के पापा उठ गए थे, तो वो भी बाहर जाकर घर के पीछे जैसे चूल्हा में थोड़ा सा ये हुआ था, पानी गर्म कर रहे थे ना, तो बस उधर बैठ के जैसे कि लकड़ी वगैरह जला रहे थे। तो बस मैं भी पोछा लगा देती हूँ। पोछा लगा के थोड़ा जल्दी मैं जाके टिफ़िन बना दूँ, और टिफ़िन बनाने के बाद कृष्णा पहले जाती है और बाद में कृष्णा के पापा जाते हैं, तो बस इसीलिए सोच रही हूँ कि थोड़ा जल्दी ही कर दूँ। और गिल्लू थोड़ा सा लेट में उठा था, तो उठने के बाद मैं ये काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर जाके तुरंत मैं नहा धो के मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी। तो आज कृष्णा बहुत हेल्प की थी मेरी, तो क्योंकि कभी कभी कर लेती है, जब भी मेरा तबीयत ख़राब होता है तो वो तो खुद ही करती है सबका उस काम। तो देखिए वो भी अपना इधर उधर हो रही है, और पोछा लगाई थी लेकिन इस साइड तो मतलब ऐसे ही चल रहा था। तो बस देखिए मेरा तो हो गया था, सुबह का जो काम है वो ख़त्म हो गया, और ये जो मैं किचन रूम है वो तो बाद में करूँगी, जैसे कि ये पूरा किचन क्लीनिंग करूँगी बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। पहले टिफ़िन बना के फिर सब जाने के बाद अपने अपने काम पे बाद में बनाऊँगी।
तो बस देखिए चूल्हा कढ़ाई बैठा बैठ गया है, और इसमें राई डाल देती हूँ। जैसे ही तो चटक जाए तो उसके ऊपर प्याज डाल दूँगी। तो जैसे ही थोड़ा सा प्याज भून लेती हूँ ना, थोड़ी टाइम के लिए भूनूंगी, और उसके ऊपर टमाटर को डाल देती हूँ। और क्योंकि सब साथ में मिक्स करके मसाला को भूनना पड़ेगा, जैसे कि पहले मैंने प्रेशर में आलू और मटर और टूअर दोनों को मतलब दो दो या तीन मतलब सीटी लगा दी थी, तो बस इसीलिए सब मसाला को पहले अच्छे से उसे भूनना पड़ेगा। और ऐसा होता है ना कि जो मसाला का कच्चापन होता है, जब तक नहीं जाता है तब तक भून लूँगी, और उसके बाद ही जैसे कि सब्जी डालूँगी। इसे ऐसा करने से जो मसाला का जो ज़्यादा स्मेल आता है ना वो नहीं आता है, और तो बस इसीलिए अच्छे से इसे भून लेती हूँ। और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दी थी, तो बस अच्छे से भूनने के बाद तेल ऊपर आने तक भून लेती हूँ। और उस जैसे ही जो कच्चापन का स्मेल चला जाए तो उसके बाद ही मैं आलू मटर सब उसे उसके ऊपर डाल देती हूँ। और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और थोड़ी टाइम के लिए इसे प्लेट डाल के छोड़ दूँगी। और फिर जो स्प्रिंग ओनियन है, जैसे कि अभी चल रहा है सर्दी का मौसम, तो अभी तो आसानी से मिलता है, तो स्प्रिंग ओनियन और धनिया के पत्ता बस दोनों को साफ करके ऊपर डाल देती हूँ। और इसका टेस्ट है ना बहुत ही अच्छा रहता है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अभी तो जो मौसम चल रहा है ना, तो उसी के हिसाब से टूअर तो आसानी से मिल ही जाता है, टूअर और ग्रीन मटर, बस इस सबको अच्छे से मिक्स करके बनाइए तो बहुत ही अच्छा लगे। पूरी के साथ जैसे हो, या रोटी हो, पराठा हो, कोई भी किसी में भी आप खा सकते तो अच्छा लगेगा। तो बस रोटी बना देती हूँ थोड़ी बहुत, जैसे कृष्णा का पहले टिफ़िन पैक कर देती हूँ, और उसके बाद कृष्णा के पापा की बनाऊँगी उनके लिए। तो पहले कृष्णा के टिफ़िन और उसके बाद उनके लिए। तो बस अभी चल रही हूँ, रोटी तो बना रही हूँ, क्योंकि वो दोनों को जाने बाद भाई भी उसके लिए भी रोटी बनाना बाकी है। तो देखिए देखिए, और घी इसमें लगा देती हूँ उनके टिफ़िन में। तो टिफ़िन में जो मतलब रोटी बनाती हूँ ना, वो तुरंत घी लगा के रख देती हूँ, तो उनका टिफ़िन तो हो गया है। अभी चाय बना देती हूँ, चाय बनाने की मतलब दो रोटी और चाय के साथ खा के नाश्ता मतलब नाश्ता करके चले जाएंगे। तो बस देखिए, और वीडियो पर बनी रहे, ये ख़त्म हो जाते तो फिर मुझे जैसे कि नहा धो के अपना काम करना है, तो नहा धो ली थी, थोड़ी टाइम हो गया था जैसे कि, तो गेलू को तैयार कर लेती हूँ। टाइम भी हुआ था गेलू को स्कूल छोड़ने के लिए, और सुबह सुबह वो भी चली जाता है और स्कूल, तो बस इसके तैयार कर लेती हूँ। उसे नहला दी थी, तो बस उसे तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ, और फिर मैं जाके किचन साफ कर लूँगी और कपड़ा भी डाल लूँगी, क्योंकि कपड़ा मैंने धो ली थी नहाने से पहले ही, कपड़ा धो के रखी हूँ। और क्योंकि ऐसे ही टाइम भी नहीं हुआ था, सुबह का वक्त है, तो आराम से उसे बाहर डाल दूँगी कपड़ा। तो बस इसे तैयार करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये जब भी सुबह उठता है तो पहले उसे ब्रश कराओ, फिर उसे मुंह हाथ धो के फिर थोड़ी टाइम के लिए वो खेलने लगता है, और फिर जैसे टाइम होता है तो उसी जैसे ही थोड़ा सा सुबह धूप आने लगता है तो उसी टाइम में इसे नहला देती हूँ गर्म पानी से, फिर उसे तैयार करके रख देती हूँ। जब भी वो स्कूल जाने के वक्त होता है उसी टाइम में वो चला जाता है। पर आज तो मैं थोड़ा सा जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया था, तो मैं सोच रही थी कि इसे रेडी करके तुरंत ही भेज देती हूँ।
तो देखिए उसका स्कूल चल रहा है, और स्कूल जाने के टाइम में भी बहुत ही मतलब सारा चलता रहता है उसका। तो बस किचन को अच्छे से अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उतना डस्ट नहीं है। जैसे कि सुबह में रोटी बनाती हूँ ना, तो उसी टाइम ही थोड़ी बहुत ऊपर जो आटा का जो छिट्टा वगैरह गिरता है उसी का ही रहता है, और ज़्यादा कुछ कचरा होता नहीं है। और होते जैसे खाना बनाती हूँ ना, उसी टाइम में साफ़ सफाई करने की कोशिश करती हूँ, तो इसलिए उतना नहीं रहता है। और कभी कभी मन नहीं होता है और ऐसे रह जाता है तो बहुत सारा कचरा हो जाता है, और खाना बनाने के लिए ना मन होता है ना किचन को आने के लिए भी मन होता है। इसलिए जितना हो सकता है उतना मैं साफ़ सफाई रखने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि किचन जितना साफ होगा उतना आपको मन लगेगा खाना बनाने के लिए हो या कुछ भी बनाने के लिए। तो देखिए ये सब निकाल लेती हूँ, थोड़ी बहुत बर्तन है उसे निकाल के रख देती हूँ धोने के लिए, और फिर इसे झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद कपड़ा जो रखी हूँ उसे जाके डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए, अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर बिना स्किप कर आप लास्ट तक देख रहे हो तो आप सबको दिल से धन्यवाद थैंक यू बोलती हूँ। तो ऐसे ही थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मैं आप सबका सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए कपड़ा बहुत सारा था तो धोने के लिए तो टाइम लगा था, इसलिए मैं सोची कि सब काम ख़त्म होने के बाद ही बाहर डाल देती हूँ। और जैसे कि थोड़ी तो गर्मी का मौसम जैसे दोपहर को थोड़ा सा गर्मी की जैसे लग रहा था, ये थोड़ा सा टाइम हो गया था तो लास्ट में इसे कपड़ा डाली थी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में एकदम फ्रेश वाला नया ब्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए रखती हूँ, बाय।